नमस्कार दोस्तों, एजय ट्रेडर्स के और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में कल क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यस्टरडे मैंने जो आपको लेवल दिए थे उसका आज उसने क्या किया। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और मैंने आपको कल बोला था कि ये अगर बैंक निफ्टी 35,164 से लेकर 34,980 के बीच में रुकन होता है और उसके बाद 35,164 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 35,261, दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 34,365 और तीसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 35,448। आप यहां पे चेक करोगे कि तीनों टारगेट उसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स और उसने आज का हाई मारा है 35,543 के करीब उसका हाई है। तो आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल सीनेरियो क्या बन रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउ जोंस -130 पॉइंट माइनस है और हमारा एसजीएक्स निफ्टी -37 है, यानी 60,160 पे अभी चल रहा है 8:10 पे। और हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 35,469 के ऊपर उसका क्लोजिंग हुआ है। तो आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इससे पहले हम ये काम करते हैं, मैं इसको ये निकाल लेता हूँ पूरा लेवल को, और जैसे हम नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं वैसे मैंने ये नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है आज, उसका मैं लेवल मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक। अप साइड का आएगा फ्रेंड्स 35,550 और डाउन की साइड में आएगा फ्रेंड्स 35,400। अगर फ्रेंड्स डाउन की साइड में 35,400 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 35,000, छोटा सा टारगेट है फ्रेंड्स 35,350, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स 35,273, और तीसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में ये वाला, इसको पकड़ के चलते हैं हम 35,150। और अपसाइड में फ्रेंड्स अगर ये 35,550 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 35,700, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका अपसाइड में 35,900। अगर इसी जोन में बैंक निफ्टी रूपण होता है तो अब ये हमारा लेवल फ्रेंड्स काम लगेगा। ओके, और हो सकता है कि माइनस में ओपन होता है बैंक निफ्टी कल, माइनस में क्या ओपन हो सकता है फ्रेंड्स जैसे आज उसने ओपन किया वैसे 35,200 या 35,300 के आसपास ओपन होता है, और अगर वहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनती है तो हम उसी हैमर कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल बाई कर सकते हैं। और वैसे ही अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी ज़्यादा 200-300-400 पॉइंट, और अगर वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो, अगर उसके बाद ही अगर आपको ऐसा लगे कि भाई लेवल के हिसाब से होता है तभी आप ट्रेड करना। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था निफ्टी के बारे में, ये नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपको ड्रो करके दिया था, लेकिन आज का उसका ओपनिंग हुआ 60,150 तो पे उसका आज ओपनिंग हुआ और हमारा नो ट्रेडिंग जोन था 60,238। अब उसने ओपनिंग किया, इसके नीचे ओपनिंग किया और यहाँ से आप लगातार कंसोलिडेशन करने के बाद सीधा ऊपर गया और हमने जो ट्रेडिंग कल लेवल मार्क किया था उसी लेवल में उसने क्लोज किया। तो कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए मैं आपको यही लेवल दूंगा कि अगर 60,160 ब्रेक करेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद तो अब ये हमारा लेवल आएगा, सबसे पहला टारगेट आएगा डाउन की साइड में 60,170, और दूसरा टारगेट आ सकता है 60,057, और तीसरा टारगेट आ सकता है 60,000। और अगर अपसाइड में फ्रेंड्स अगर उसने कल जैसे मैंने आज जो लेवल दिया था आपको 60,233 ब्रेक करेगा
तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की अपसाइड में, सॉरी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ये ब्रेक करेगा 240, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 60,273 और दूसरा टारगेट आ सकता है 60,300। और उसके भी ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट आ सकता है 60,400। लेकिन जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा, निफ्टी में देखा हमने, ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चेक करोगे तो -23 ही है। अभी उसने रिकवर कर लिया एज एज निफ्टी ने, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आज ग्लोबल मार्केट कैसे क्लोज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होता है। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो उसका प्राइस एक्शन बनने का हम वेट करेंगे, या फिर कोई शूटिंग स्टार के अंदर बनेगी या कोई हैमर के अंदर बनेगी, उसी टाइम पे हम उसको ट्रिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है 15 मिनट में, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने क्लोज दिया, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कल गैप अप भी ओपन हो सकता है। आइए देखते हैं 1 डे के अंदर में क्या सीनियर बन रहा है निफ्टी में। लेवल पर क्लोज कर देता हूँ, ये हमारा 1 डे का कैंडल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 60,273। ओके, अगर इसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली फिर जाएगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में क्या सीनियर बन रहा है 1 डे के चार्ट में, अभी देख लेते हैं हम अभी। अच्छा, 1 डे के कैंडल में अगर आप चेक करोगे तो उसने ये जो मैंने कल बोला था हैमर के अंदर बना था उसके ऊपर उसने क्लोज दिया है 35,469 पे क्लोज दिया है, तो ये जो एरिया है बहुत ही बढ़िया लेवल पे उसने क्लोजिंग दिया है। अगर ये 35,000 के ऊपर रहेगा तो पॉसिबिलिटी है 36,000 तक जाने की, तो देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।